वेलकम बैक टू बिग सेवन और सेवन न्यूज कॉरिडोर में हम मौजूद हैं और रुक करेंगे बिग फोर का, और बिग फोर में बात करेंगे इमरान खान के कल के जलसे के हवाले से। इमरान खान ने, शेख रशीद ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए पूरा दिन। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके एक पूरी पीटीआई के कारकुनान हैं, वो वहां पर मौजूद थे कि इमरान खान साहब खिताब करेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं एक नहीं दो वजीर आजम के लिए जो है वो पैगाम लेकर आऊँगा, एक पाकिस्तानी वजीर आजम और एक भारतीय वजीर आजम। हम बिल्कुल जो है वो किसी की साइड लेकर नहीं बोल रहे, बिल्कुल किसी की साइड लेकर नहीं बोल रहे, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग हम बताना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि उन्होंने कल क्या क्या हरकतें की, इखलाकियात से कितना गिर गए कि मतलब अपने वजीर आजम को वो तू करके बात कर रहे हैं और भारतीय वजीर आजम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सबकी माएँ बहनें बेटियाँ सांझी होती हैं, सबकी घर में होती हैं, लेकिन मरियम नवाज को मुखातिब किया जा रहा है इतनी भीड़ में, और ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके बारे में, यकीनन उनको सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा फिजा, आज हम कुछ बड़ी अहम बातें भी शेयर करेंगे बिग फोर में अपने नाज़रीन के साथ, कुछ अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन हम अगेन एक बात करेंगे, हमारी हम बहसीत जर्नलिस्ट, हम बहसीत एंकर और हम बहसीत चैनल किसी के साइड ले नहीं सकते हैं, ना लेंगे, लेकिन एक लीडर का एक अपना टेम्परामेंट होता है और लीडर का टेम्परामेंट कभी लूज नहीं होता। ओए की सियासत यकीनन पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, इससे पहले कहा गया कि रायवंड नहीं जाना चाहिए, कि हम जाती उम्रा जाएंगे, बातें की गई, उनके घरों का घिराव करेंगे, व्हाट्सएवर इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जब आप नहीं भी गए अच्छी बात है, कल आपने पूरा एक इवेंट किया, लेकिन उस इवेंट में आपने किस किस तरह की जबान इस्तेमाल की, किस किस तरीके से आपने पुकारा, मुखातिब किया, और शेख रशीद साहब ने भी हद कर दी, इमरान खान साहब ने भी हद कर दी, और यकीनन जो लाखों की तादाद बकौल इनके जो लोग बैठे थे उनके फॉलोअर्स, क्या पैगाम उन्होंने लिया होगा, उन्होंने अपनी आम जिंदगी में किस तरीके से अंदाज तकातुब को अपनाया होगा, क्या सबक सीखा होगा। यह है वो यूथ जो कल चलकर ओए ओए की बात करेगी, या कल चलकर अपने किसी भी मुखालिफ के घर में धावा बोलने की बात करेगी, या अपने किसी भी जज्बात के इजहार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगी। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, शेख रशीद साहब ने क्या क्या कहा, जरा सुनिए उन्हीं की जबानी। अगर ये मजमा पेशाब करे तो तुम्हारे यहां सैलाब आ जाए, और इनके औलादों को देखो ठिप्पर जैसे गोंगलू जैसी शक्लें हैं उनकी। तुम्हें पेट का मसला है, तुमने पाकिस्तान के अरबों रुपए जो खाए हुए हैं उसकी वजह से बदहजमी हो गई है, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करता है। चले मैं इसे मिस्टर डाकू कह देता हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ जो गुफ्तगू की है, तो क्या तुमने इससे कौमी यकजहती का कोई आपने जो है वो मैसेज दिया है? जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये लफ्ज़ अदा किए, और जब हम ये लफ्ज़ सुन रहे थे तो महसूस कर रहे थे कि वहाँ बेटियाँ भी हैं, वहाँ ख़वातीन भी हैं, जिनका जिक्र करते हुए खुद खान साहब ने कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ, छेड़ा भी गया, तंग भी किया गया, लेकिन क्या ये लफ्ज़ या ये अंदाज़ बेटियों के सामने, बहनों के सामने आप अंदाज इख्तियार कर सकते हैं? दूसरी अगर बात करें फिज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बार बार वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो था मैं कोई रिश्ता लेने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो दावत देने जा रहा हूँ आपको, हम बताएं कि ये जो रिश्ता लेने वाली बात है, इस हद तक मुतासिर हुए, एक मिनट फिज़ा, इस हद तक इसका असर हुआ है कि खुद पार्टी के अंदर इन अजीब फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। और दो बातें मैं आपको अंदरूनी ज़राए से जो हमें मौसूल हुई हैं वो हम बताते जाएं, कि खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी इंतहाई परेशान है, उससे पहले भी बेतहाशा ये आवाज़ें आई थी, अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक मेंबर के साथ, मेंबर ने शाह महमूद कुरैशी से जिक्र करने की कोशिश की कि पार्टी पॉलिसीज ठीक नहीं है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरा, चौधरी मोहम्मद सरवर, आपको नजर आए चौधरी मोहम्मद सरवर वो किधर हैं? आपको ये भी बताते जाएं कि अंदरूनी महफिलों में जो हमारे जराए बता रहे हैं कि चौधरी मोहम्मद सरवर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मैं अच्छा भला गवर्नर था, मैं फजूल में इनकी बातों में आ गया, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो ओए की सियासत है और उनके ये जो शादी वाला इस तरह का बयान है या इस तरह की जबान या इस तरह का अंदाज है, 2018 के इलेक्शन में भी असरात होंगे। बिल्कुल, असरात उनके लाजमी होंगे। इमरान खान साहब ने कहा, मुझे कहते हैं जी आपसे अपोजिशन जमातें नाराज हैं, आपसे अपोजिशन जमातें नाराज है, मैंने उनसे रिश्ता मांगा जो मुझसे नाराज हो जाए, ये उनके अल्फाज। अपने घरों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के फिक्रे कसे जाते हैं किसी के लिए भी, चाहे वजीर आजम ने करप्शन की है, जो भी है, एहतसाब के लिए
जा रहे थे, लेकिन वो हैं तो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ही। पूरी दुनिया जब एक देख रही है तो आप पूरी दुनिया को कैसा इमेज दे रही हैं कि आप अपने वज़ीर-ए-आज़म की ये रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपनी जो बहन बेटियां हैं उनके सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मरीम नवाज के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें आई थिंक उनको और शेख रशीद साहब ने तो इंतहाई कर दी, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा फिजा, एक आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा, आपको याद होगा अभी जो गुज़िश्ता बड़ी ईद गुजरी है, ईद कुर्बान गुजरी है, तो चंद रोज पहले चूंकि एहतसाब रैली का बाकायदा आगाज कर दिया गया था और उस एहतसाब रैली में तहरीक इंसाफ यूथ विंग के अहम रहनुमा जो कि मुकामी जो यूनियन काउंसिल के रहनुमा भी हैं, चंद गाड़ियों का काफिला लेकर वो आए और लेकिन मीडिया सेशन करवाने के लिए वो जो थे मौसूफ चनाब पुल से ही वापस हो गए। तो यहाँ ये हालात हैं कि बहुत सारे लोग अब जब कॉल दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो अपनी हाजिरी टेलीविजन के सामने ज़रूर लगवा देते हैं लेकिन वो बीच में नज़र नहीं आते। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी चपकलिस या फ्रस्ट्रेशन उनके जलसों पर अब आया नजर आना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल वाज़े नजर आ सकती है, सब देख सकते हैं और बुक करते हैं बिग फाइव का और बिग फाइव में बात करते हैं पुलिस की। कल के जलसे में यकीनन पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छी अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस के अंदर के मामलात क्या हैं, पुलिस के अंदर की हरकतें क्या हैं कि मतलब उनका बजट जो है, उनकी तनख्वाहें जो है उसके लिए जब बजट मुख्तस किया जाता है करोड़ों में उनकी तनख्वाहें, अच्छी खासी तनख्वाहें उनको दी जाती है लेकिन उनकी हरकतें फिर भी नहीं बदली, वही भूखियों वाली हरकतें करते हैं और उसी तरह से जो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब अदालत लेके आया जाता है तो रस्सियों में बांध कर लेकर आया जाता है ताकि मुलजिम खुद फरार हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कई दफ़ा देखते होंगे कि कभी टाई के साथ बांधा हुआ है मुल्ज़िम को, कभी रस्सी के साथ बांधा हुआ है, आया जा रहा है खतरनाक मुल्ज़िमान को और इस तरह से कभी रस्सियों के साथ बांधकर कभी टाई के साथ बांधकर। सबसे बड़ी बात यह है कि 79 मुल्ज़िमान फरार हो चुके हैं बिल्कुल, और सूरत हाल ये है कि पंजाब पुलिस के लिए करोड़ों का बजट अप्रूव होता है और पंजाब पुलिस के पास मुलजिमों को लगाने के लिए हथकड़ी भी नहीं है, बिल्कुल हथकड़ियां नहीं है और जिस तरह से कभी रिक्शे में लेकर आया जाता है और उसके बाद रिक्शे का किराया भी उसे मुलजिम नहीं अदा करना होता, मतलब ये हरकत है और ये नौबत आन पहुंची है। इस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की हरासत से मुलजिम किस तरह भाग जाते हैं, हथकड़ी तोड़ के या पुलिस वालों की जेब गर्म करके। अदालतों में पेशी पर आने वाले मुलजिमों को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मुलजिम भी नजर आते हैं जिनके हाथ रस्सी से बांधकर अदालत में पेश किया जाता है। ना जाने जुराइम पेशा लोग ज्यादा हो गए या हथकड़ियाँ कम पड़ गयी। 2015 में पुलिस के जेर हरासत जो मुलजिम फरार हुए इनकी तादाद 37 है, जबकि साल 2016 के पहले 9 माह पर नजर डाली जाए तो 42 के करीब मुलजिम पुलिस की हरासत से फरार हुए जिनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस की जेरे हरासत मुलजमों में से अक्सर तशद्दुद या बीमारी की हालत में हलाक भी हो जाते हैं। 2015 में ऐसे मुलजमों की तादाद 5 जबकि रवा साल के पहले 9 माह में 11 थी। पुलिस की जेरे हरासत मुलजमों के फरार होने और हलाक होने के वाकयात जोर पकड़ रहे हैं लेकिन ताहाल इन वाकयात के खिलाफ कोई भी ठोस इकदाम नहीं किए जा सके और न ही अब तक इन वाकयात के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया गया है। शाहिद हनीफ, 7 न्यूज, लाहौर। जी हाँ, 2 सालों में भगोड़ों की तादाद 79 हो गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हाशिम भुट्टा। हाशिम भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप ये फरमाइएगा कि इतने अफसोस की बात है कि करोड़ों रुपए का बजट अप्रूव किया जाता है पंजाब पुलिस के लिए और मुलजिमों को हथकड़ी तक लगाने के लिए उनके पास नहीं है, कभी रस्सियों पर हमें नज़र आता है और कभी हम देखते हैं कि टाई के साथ बांधा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे, आप तो रोजाना की बुनियाद पर हाई कोर्ट भी जाते हैं, सेशन कोर्ट का भी आपके साथ यकीनन ताल्लुकात होगा और इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे कि पुलिस इस तरह के खतरनाक मुलजिमों को रिक्शों पे और इस तरीके से रस्सियां बांध कर लाएगी तो फरार नहीं होंगे क्या? मेरा ख्याल है, देखिए ये बड़ी ग्रॉस नेग्लिजेंस है पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। पुलिस डिपार्टमेंट को जोन से लोग ऐसे नेग्लिजेंस बरतते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ना सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनको जो है मेजर पेनल्टी जो है इनके ऊपर जो है ना वाइज करनी चाहिए ताकि आइंदा से इनका जो इतना बजट है, इनके जो इतने मामलात हैं, आइंदा से ये कभी भी इस तरह की नेग्लिजेंस ना करे जिसकी वजह से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर अफेक्ट हो। अच्छा हाशिम, आप मुझे ये बताइएगा ये जो सूरत हाल है आप जिम्मेदार किसे समझते हैं? पुलिस जिम्मेदार है, अदालतें जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं अदालतें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है इसमें, बिल्कुल पुलिस जिम्मेदार है एंड एट टाइम्स इसमें वकला भी कुछ जिम्मेदार होते हैं जो कि कुछ केसेस को पर्सनल ले लेते हैं
जैसा कि हालांकि एक वकील का काम है कि वो पर्सनली उसको एक केस को नहीं लेना चाहिए, उसको एज ए वकील रिप्रेजेंट करना चाहिए सिर्फ अदालत के अंदर, अदालत के बाहर उसका क्लाइंट से कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस तरह के केसों के अंदर। तो मेरा ख्याल है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेग्लिजेंस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे है, लेकिन एट टाइम्स इसमें एट टाइम्स वकला भी जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो पूरा प्लान बनाया जाता है और किस तरह से रस्सियों में बांध कर लेकर आया जाता है मुलजिमों को, क्या पुलिस में कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है पंजाब पुलिस में? क्योंकि बजट तो उनका करोड़ों में है, उनको तनख्वाहें बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से हरकतें कि मुलजिमों को भगा दिया जाता है, उसके बाद पकड़ के भी लाने वाले वही हैं, मुलजिम को भगाने वाले भी वही हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस आपको नजर आता है पुलिस में? नहीं, मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस के अंदर चेक एंड बैलेंस जरूर है, ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर एक जगह जहां पे भी फंड्स होते हैं सरकारी फंड वहां पे चेक एंड बैलेंस भी होता है, लेकिन फंड्स की एम्बेजलमेंट भी हर जगह थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी हर जगह जो है वो चलती रहती है। बहुत शुक्रिया हाशिम भुट्टा, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हमारे साथ, और उनका ये कहना था कि अदालतें यकीनन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसे अंदाज में इकदाम होने चाहिए। और फिज़ा, अभी जो बात हम कर रहे हैं कि 2 साल में 79 अगर मुलजिम भाग गए हैं तो उसमें महज हथकड़ियों का मसला नहीं है, इसमें यकीनन कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग भी होती है, अलबत्ता इस पर कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जो पकड़ा जाए या जो भाग जाए कस्टडी से तो सख्त इकदाम किए जाए उन पुलिस वालों के खिलाफ। कस्टडी में थे जिन पुलिस वालों के कस्टडी में थे, यकीनन उनके हवाले से भी तफ्तीश होनी चाहिए। बिग सिक्स का रुख करते हैं और बिग सिक्स में एक मरतबा फिर से बात करते हैं मोदी सरकार की। हर मोदी तरी कौन कौन सी अहमकाना हरकतों पर मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ। हमारे जो आपके बॉलीवुड के जो बादशाह जिन्हें कहा जाता है सलमान खान, जब उन्होंने फनकारों की साइड ली तो उसके बाद उन पर भी सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अदनान समी के बारे में तो क्या कहूँ, सोशल मीडिया पर तो धमाल मचा दी उन्होंने, और धमाल उनको तनकीद की जा रही है, बुरे तरीके से तनकीद की जा रही है कि उन्होंने क्या किया है, किस तरह के इंसान है जो अपना जमीर बेचकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर जो उनकी पहचान है, उन्होंने कहा पहले मैं कैनेडियन था और अब मैं आपकी परेशानी की ना फिजा बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन रिपोर्ट से पहले मैं फिजा को थोड़ा सा जरा मुतमिन करना चाहूंगा। फिजा, आपको पता है कि जो अदनान समी खान हैं, उन्होंने अगर हमारे खिलाफ ट्वीट किया है या उन्होंने अगर भारत के जनरल को बड़ा सैल्यूट किया है, तो फिर याद रखिएगा कि अदनान समी खान को जो मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में शहरियत मिली ही इस वजह से है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, हर्जा सराई करते मतलब रहे हैं, वो एक गद्दार हैं, वो एक वतन फरोश हैं, वो वतन फरोश थे तो इस वजह से उन्हें भारत की शहरियत मिली है, हम उन पर लानत भेजने बेशुमार। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अदनान समी को पाकिस्तान से कितना प्यार मिला, मैं क्लिप देख रही थी जिसमें लेट मुइन अख्तर साहब कह रहे थे कि नो वन इम्प्रेस्ड मी एवर बट अदनान समी यू इम्प्रेस्ड मी, मतलब कि एक लेजेंड अपने अंदर ही, मुइन अख्तर को कौन नहीं जानता, वो अदनान समी को रागे से वो कहते हैं सर थैंक यू सो मच। अच्छा चल छोड़े, सुल्तान जो है वहां के सलमान खान, उन्होंने जब फनकारों की साइड ली तो उन पर क्या बीती देखिए इस रिपोर्ट में। फन की कदर ना फनकार की, मोदी के देश में नफरतों का राज। पहले गुंडों ने अमन के सफीरों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी फनकारों को मुल्क छोड़ने की धमकी दी। दबंग खान ने इंतहा पसंदों को आईना दिखा दिया। सलमान खान का कहना था कि पाकिस्तानी फनकार हुकूमती परमिट और वीजे पर भारत आते हैं, दहशत गर्द कैसे हो सकते हैं? वीजा लेके आते कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है। बॉलीवुड के सुल्तान के आना दिखाने पर शिवसेना के रियासती गुंडे बुरा मान गए और उल्टा सलमान खान पर चढ़ दौड़े। सबक सिखाने की धमकी देते हुए कहा अगर इनको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो वहीं चले जाएं। मजीद कहा पाकिस्तानियों की हमायत से बाज न आने पर संगीन नतीज का सामना करना पड़ेगा। भारतीय इंतहा पसंद इससे पहले पाकिस्तानियों के हक में बोलने पर हिदायतकार करण जौहर, महेश भट्ट समेत दीगर को भी धमका चुके हैं। दूसरी जानिब तासुब में अंधे होकर भारतीय फिल्म एंड मोशन पिक्चर्स ने पाकिस्तान के तकनीकी अमले के भारत में काम पर पाबंदी लगा दी। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाकयात ने दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत के दावों का पोल खोल दिया। जी हाँ, सलमान खान ने जब साइड ली तो उनका जीना भी हराम कर दिया। और हसन, जैसा कि आपने कहा कि अदनान समी खान पर आपने लानत भेजी, तो यकीन आपने नहीं, पूरा पाकिस्तान भेजता है, हर वो शख्स भेजता है लानत जो के वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो पाकिस्तानी नहीं है। क्योंकि अगर
किसी भी नेशनलिटी का शख्स अपनी नेशनलिटी को छोड़कर दूसरे मुल्क जो कि दुश्मन मुल्क है उसकी नेशनलिटी को इख्तियार करता है, और उसको नेशनलिटी मिलती ही इस बुनियाद पर है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ जहर उगलता है। तो हमें मेरे ख्याल से फिजा पर उम्मीद करना चाहिए और हमें कोई खैर की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए अदनान समी खान से। हमें उम्मीद है भी नहीं, जो करते हैं वो करते रहे। बिग सेवन का रुख करते हैं और बिग सेवन में बात करते हैं हिजाब के हवाले से कि यूरोप में इखलाकी कदरें इखलाकियात जो है वो तो बहुत गिर चुकी हैं, बहुत गिरी हुई हरकतें, और खसूसन जो मुसलमान खातीन हैं उनके साथ उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है जब वो हिजाब करती हैं। इसी तरह का एक वाक्य पेश आया जब एक मशहूर एंकर ने बतौर फैशन हिजाब लिया तो उस एंकर को भी तनकीद शदीद तनकीद की गई सिर्फ हिजाब लेने पर। उन्होंने हिजाब में यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितनी मर्जी तनकीद उसके बावजूद हिजाब तेजी के साथ बढ़ता हुआ रुझान है यूरोप के अंदर। देखिए रिपोर्ट। यूरोप का मादर पदर आजाद मुआशरा इखलाकी इकदार और अकलियतों की बुनियादी हकूक की फराहमी से भी आजाद हो गया। यूरोपीय मुल्क बल्गारिया ने बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी। रियासत ने एक कानून भी पास कर दिया है जिसके तहत अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। रियासती हुकाम के मुताबिक पाबंदी यूरोप में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद लगी है। कानून में बीमारी या किसी और मसले के बायस बुर्का पहनने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब अमरीका में मशहूर एंकर ने हिजाब को बतौर फैशन पहनकर नया रिवाज डाल दिया। एक मुसलमान खातून एंकर ने प्लेबॉय मैगजीन में हिजाब पहनने वाली पहली खातून बनकर तारीख बना दी। नौरत गोरी मर्दों के मैगजीन में सितारा बनकर उभरी जो कवानीन को तोड़ने के लिए खौफजदा न होने की खसूसियात रखती है। तस्वीर छपने के बाद दोनों तरह की आर आना शुरू हो गई। नौरत गोरी ने इंटरव्यू में बताया कि मुझे फख्र है कि अमरीकी टेलीविजन पर सबसे पहले हिजाब पहनने वाली एंकर हूँ और मैं किसी की तनकीद को तवज्जो नहीं देती। यह रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन हिजाब जो है वो मकबूल हो रहा है, खुसूसन यूरोप में मकबूल हो रहा है क्योंकि ये मुसलमान खातीन हैं, उनकी तो खूबसूरती को मजीद एनहेंस करता है, लेकिन अब यूरोप में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। आज के बिग सेवन से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।